हालेलुया। इस ब्रदर का नाम ओंकार है। चमोदर गांव के रहने वाले इस ब्रदर की गवाही बहुत बड़ी है। इस ब्रदर की गवाही जे के 9 साल से इनके पेट में दर्द था, जिसके कारण जे बहुत परेशान थे और जे बहुत सारी मेडिसिन भी खा रहे थे, फिर भी जे दर्द से अच्छे नहीं हो रहे थे। और जैसे ही जे ब्रदर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला कि आप अल्ट्रासाउंड कराओ, और जैसे इस ब्रदर ने अल्ट्रासाउंड कराया तो हम उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स को भी देखेंगे। तो जी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है तो इसमें डॉक्टर ने बताया कि इनकी जो लिवर है उसमें सोज आ चुकी थी, स्वेलिंग थी, और इनके पेट में पानी का गोला था। और डॉक्टर ने बताया था कि इसके कारण जो पेट की दर्द है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, वो अच्छी नहीं हो रही। इसके लिए आपको मेडिसिन खानी खा तो रहे हो, पर इसके लिए आपको ऑपरेट करना पड़ेगा हमको, जिसके कारण जो पानी का गोला है फिर जी बाहर हम कर सकते हैं। तो जी ब्रदर बताते हैं कि इनके पास ऑपरेट के लिए पैसे नहीं थे और कंडीशन तो बहुत खराब थी इनके घर की भी, और जिसके कारण जी ब्रदर बहुत परेशान थे। तो ऐसे जो मेडिसिन खा रहे थे, तो 1.5 साल से जी ब्रदर ने बताया है कि जी खाना भी नहीं थे खा सकते, क्योंकि जो भी कुछ खाते थे इनको पचता नहीं था। तो जी ब्रदर फैन और ब्रेड हल्का ही खाते थे, और फिर भी इनके जो बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी थी और जी बहुत परेशान हो चुके थे। तो जैसे इस ब्रदर को प्रभु की गुड न्यूज़ मिली और इस मिनिस्ट्री में आए, और जैसे इस ब्रदर ने संडे की मीटिंग को अटेंड किया और प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए ले हैंड प्रार्थना कर रहे थे, तो इस ब्रदर के लिए भी ले हैंड प्रार्थना हुई। आओ हम इस क्लिप को देखते हैं। इस ब्रदर के लिए प्रभु के दास के द्वारा ले एंड प्रार्थना हुई। तो उसी दिन जब ब्रदर बताते कि जो 1.5 साल से खाना नहीं था खाते, पचता नहीं था, और उस दिन से आज 2 हफ्ते हो चुके हैं कि जब ब्रदर तीनों टाइम खाना खा रहे हैं, इनको खाना पच भी रहा है, और जो प्रॉब्लम थी, दर्द रहती थी पेट में और सिर में भी दर्द थी, उससे आज परमेश्वर ने इस ब्रदर को पूरी प्रॉब्लम से टोटली फ्री कर चुके। और सुनो सब, परमेश्वर है कि नहीं है? बोलो, परमेश्वर है ना? 9 साल से ये अपनी बीमारी से क्या था, पीड़ित था 9 साल से। देखो कितने साल से, 9 साल से, और 9 साल से ये लगातार मेडिसिन खा रहा था। हाँ, और लीवर में सो जाने और एक पानी का जैसे क्या बनना, घबरा जैसे बन जाना। तो डॉक्टरों ने क्या कहा कि ऑपरेट करना पड़ेगा और फिर आपको निजात मिलेगी, फिर आपको आराम मिलेगा उससे, अब मेडिसिन से नहीं। हाँ, क्योंकि सालों से खा रहे थे और अब कह रहे थे कि बिना ऑपरेट ये नहीं हो सकता। समझ आ रही है? और अब देखो परमेश्वर कितना महान है। हाँ, क्या है परमेश्वर, कितने महान है। 1.5 साल से इसने कुछ भी नहीं खाया। हाँ, कुछ मतलब, कुछ का मतलब समझते हैं, क्योंकि रोटी जैसे रोटी को तो इसने बिल्कुल भी 1.5 साल तक एक जरा सी भी बाइट नहीं ली। 1.5 साल तक ये सिर्फ ब्रेड और फाइन खाता रहा, क्योंकि हैवी खाना इसे पचता नहीं था, क्योंकि लीवर खराब होने की वजह से उसके सो जाने के कारण, और ये पानी का एक गोला बन गया। क्या बन गया? पानी का एक गोला, और इसी की वजह से इसे बहुत दर्द रहती थी, जिसके कारण ये बहुत परेशान था 9 साल से। हाँ, क्या था? 9 साल से परेशान था। बोलो क्या था? 9 साल से। और अब देखो क्या कर दिया परमेश्वर ने से, क्या कर दिया, ये छोटी बात है, इसे पूछ कर देखो। जब 9 साल तक इसके ऊपर ये हालात था, और कैसे, हाँ आपको कैसे लगता था इतने सालों में, थोड़ा बताऊं लोगों को, हाँ क्या लगता था 9 साल तक आप,
सर बहुत बुरा लगता था। हाँ बहुत बुरा लगता था। क्या सोचते थे इस बीमारी को लेकर के, शायद मैं बचूंगा कि नहीं? सर मैं बहुत दूर दूर तक सर गया हूँ। हाँ जी सर, पर कहीं से भी मुझे मार नहीं आया सर। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि यही आखिरी दरवाजा है, जुर्माना आ गया ठीक है, नहीं तो फिर यही बस लास्ट यही लास्ट है, ये आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं तो फिर क्या, नहीं तो सर फिर क्या होना है। हाँ फिर तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि अपनी इस बीमारी के लिए ये बहुत जगह गया। हाँ क्या गया, बहुत जगह गया। हाँ समझते हो, अभी जब परेशान होगा अभी पूछने की जरूरत नहीं है कहाँ कहाँ पर जाता है। हाँ जैसे दुनिया में हर एक धार्मिक स्थान के लिए इंसान जीवन लेने के लिए वहां पे जाता है, जाता है कि नहीं जाता। हाँ और ये भी गया, क्या गया, इतने सालों में ये भी गया। हाँ जैसे लोग पंडित के पास जाते हैं, बाबा जी के पास जाते हैं, हाँ इनसे पूछते हैं, हाँ शायद मुझ पर किसी ने कुछ किया तो नहीं। हाँ और ये भी सब कुछ इसने किया, क्या किया, ये भी सब कुछ किया, पर करने से फिर भी नजात, छुटकारा नहीं मिला। क्या नहीं मिला छुटकारा? पर अब देखो यीशु मसीह में आके कितना टाइम लगा, कितना टाइम आपको, कितना टाइम हो गया यहाँ पे आए? सर 2 हफ्ते हो गए। अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए, क्या हुए, 2 हफ्ते हुए। और जब आपके ऊपर जब आप फर्स्ट बार आए थे तब ले हैंड हुई थी? हाँ फर्स्ट बार। हाँ हाँ जी सर। और जब पहली बार आ आए थे तभी परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया? हाँ जी सर, उसी टाइम जाके शाम को मैंने सर खाना खाया था। लो उसी उसी दिन ही, हाँ 9 साल की बीमारी, हाँ 9 साल की बीमारी से कारण जिसने कितनी मेडिसिन खाई, क्या कुछ नहीं किया, हाँ कितनी जगह जे गया, क्या गया, कितनी जगह जे गया, और जाने से भी मेडिसिन खाने से भी निजात नहीं मिली, और पहली बार किसके पास आया, किसके पास आया, हाँ किसके पास आया, समझे, क्योंकि वो सबको जीवन देना चाहता है। हाँ पर लोग जानते नहीं, हाँ परमेश्वर सबको जीवन देना चाहता है, सबको निजात देना चाहता है। हाँ और जैसे ही ये पहली बार आया, हाँ और पहली बार ही खुदा ने, हाँ जो 1.5 साल से तो उसने रोटी को खाया ही नहीं, और उसी दिन शाम को जाकर कितनी रोटी खाई, 4 रोटी खाई सर। क्या बात है। जो आधी रोटी नहीं खा सकता था, पहली मीटिंग में ये आया और 4 रोटी खाई। देखो जिसके पेट में इंफेक्शन है, इतनी स्वेलिंग है, सोज है, और पेट में गोला, जिसको डॉक्टरों ने बोला कि बिना ऑपरेट, क्योंकि पानी भर गया है और पानी निकालेंगे तब कुछ हो सकता है, उससे पहले हाँ कहां पर गई इंफेक्शन, कहां पर गया वो पानी का गोला। हाँ समझ आ रही है, परमेश्वर है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है, उसने सच्चा प्रेम किया कि नहीं किया हमसे, बोलो झूठा किया कि सच्चा किया, सच्चा किया ना, इसलिए उसने इसे चंगा कर दिया, और वो सबको करना चाहता है, वो सबको जीवन देना चाहता है। इसलिए ये गुड न्यूज अपने औरों को भी जाकर बताना है। हाँ जी सर ठीक, कि यीशु मसीह ईसाइयों का नहीं है, समझते हो, अंग्रेजों का नहीं है, वो सारे जगत को बचाने के लिए आया। हाँ और ये लोग जो परेशान हैं आपने उनको भी बताना है, ठीक है, ठीक है। हम जोर से तारीफ करेंगे, जोर से इसको, जोर से।